जी कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सर। मेरे पैर बड़े होने चाहिए, सबसे राम राम लिखते हो, जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट फील होता है। गाइस अभी भी नहा के आया था मैं और सर्दी आ चुकी है, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो लिख के बताना मेरे को जरूर। बाकी मैं तो भी गुड़गांव से रिकॉर्ड करने वाला हूँ, मतलब करने लगा, यहाँ पे भी ना धुंधुंध आ चुकी था। खैर बात करते थे, बहुत दिन से ना भाई लोग बोलते हैं हर्ष भाई अर्टिगा के बारे में बता दो, अर्टिगा के बारे में बता दो, अर्टिगा के बारे में बता दो। देखिए गाइस मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये चीज की एज श्योर शॉट को इन्फॉर्मेशन नहीं है इस गाड़ी के बारे में, बट जितने भी सोर्सेज थे, जितना भी उधेड़ बुंद कर पाया मैं, कुछ बस एक दिन की रिसर्च है, उसके बाद जो है कुछ चीजें सामने आई हैं। मैं तो ये भी बोलता है कि एक्चुअल इमेजेस होंगी अभी, क्योंकि रेंडर जो है मैं छाती टोके बोलता हूँ कि भाई वो वाली इमेज आनी है। इसके बारे में पहले बता रहा हूँ कि अभी कंफर्म नहीं है कि भाई ये वाली गाड़ी आएगी या नहीं आएगी, बट हाँ जो फीचर्स होंगे अंदर वो सारी चीज है मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ शेयर करने वाला हूँ। खैर गाइस बात करें हम लोग अर्टिगा फेस, बात करें हम लोग अर्टिगा, बहुत दिन से गाड़ी अपडेट नहीं करी गई, क्योंकि अपडेट नहीं करी गई है तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं कि इस गाड़ी का अपडेट कब आएगा कब नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आज मैं चीजें बताने वाला हूँ, आपको मदद हो जाएगी। देखिए टेस्टिंग भी शुरू नहीं हुई इस गाड़ी, तो वो है कुछ इन्फॉर्मेशन है बस, ये है कि वो मैं आने वाला हूँ। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा गाड़ी कैसे। बाकी थार 5 डोर की क्रेटा 50 सारी इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास अर्टिगा जो है उसके बारे में, तो आइए। और हाँ साथ साथ नीचे लिंक मिल जाएगा अगर आपको पढ़ना भी हो इस गाड़ी के बारे में, नीचे जो है मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा वहां जाकर आप लोग। तो आइए बड़ा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम लोग अर्टिगा की बात करें, नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार्स है इंडिया में। एंड वेटिंग पीरियड की अगर बात मैं करूँ तो कई कई महीने का वेटिंग पीरियड जो है अभी भी इस गाड़ी में आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा देखिए एक चीज़ कि ये वाला जो सेगमेंट है यानी कि 7 सीटर अफोर्डेबल में, इस सेगमेंट में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड कंपटीशन के बीच में रहना मारुति के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, रीजन बीइंग कि सेगमेंट में आपको अल्कज़ार साथ साथ किया कारेंस एंड दूसरी कंपनी की गाड़ियाँ भी जो मिल जाती हैं। तो मारुति ने जो अपनी अर्टिगा है उसके बीच में 2022 में फेसलिफ्ट एक छोटा मोटा निकाला था, जिसमें ग्रिल्स चेंज थी, आपके जो हेडलैम्प्स उसमें प्रोजेक्टर्स वगैरह दे दिए गए थे, बम्पर चेंज था एंड थोड़ा सा रियर चेंज था। उसके बाद जो गाड़ी है ठीक ठाक सेल्स पर रही, बट अब फाइनली न्यू जनरेशन निकालने का टाइम आ जाता है एंड जो ओल्ड जनरेशन थी उसका मेरे हिसाब से यहीं पे दी एंड कर देना चाहिए। तो एमआरटी कार्स का धन्यवाद, उनने जो है ये बीच में एक बार स्पाई करी थी एंड उन्हीं ने ये वीडियो बनाई है। खैर गाइस आप देखो आप लोगों को पता होगा कि अभी वाली जो अर्टिगा है वो टोयोटा रूमियोन नाम से बिकती है, बट अब की बार एक और चौंकाने वाली चीज़ आप लोगों के सामने देखने को मिलने वाली है। तो गाइस हाल ही में आपने देखा होगा कि टोयोटा ने जो अपनी इन्विक्टो है वो भी मारुति को दी थी एंड मतलब हाईक्रॉस जो है वो मारुति को दी थी जो इन्विक्टो नाम से सेल हो रही है। तो अब जो नई हमारी टोयोटा वेलोज होगी वो ही मारुति सुजुकी में अर्टिगा 2024 फेसलिफ्ट नाम से आने वाली है। गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, स्पेशियस है, सारे मॉडर्न फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स हैं, इनोवा जैसी लगती है बट है इनोवा से छोटी लेंथ में भी, हाइट में, विड्थ में, क्योंकि एक ही अफोर्डेबल 7 सीटर कार है। यहाँ से आपको इंटीरियर वगैरह के लुक जो है वो भी साथ के साथ दिख रहे होंगे, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है मेरे हिसाब से कि जो नई वाली वेलोज है वो हम लोगों को मारुति सुजुकी इंडिया में या फिर सुजुकी इंडिया में फेसलिफ्ट अपनी अर्टिगा 2024 नाम से देखने को मिलने वाली है। अच्छा गाइस अब ना मैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात बता देता हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4475 mm है, यानी कि वही अपनी 4 मीटर से 90 निकल जाती है। विड्थ 1750 mm है एंड व्हील बेस जो है 2750 mm का देखने को मिलने वाला, साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छी 205 mm दे रखी है। अच्छा गाइस इसमें इंजन जो यूज़ करा जाएगा वो ही मारुति का पेट्रोल इंजन यूज़ करा जाएगा, यानी कि 1496cc का जो आता है जो 105 हॉर्स पावर की जनरेट करता है, और यही सेम जो इंजन है ये अपनी जिमनी एंड ब्रेजा में भी अपनी ड्यूटी निभाने लग रहा है। मैनुअल एंड सीवीटी ऑप्शंस में जो है ये गाड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेसिकली डिटेल स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें जो है आप लोगों को 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा, 43 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है, और मतलब और सारी पावर वावर है जो इतनी अभी तक डिटेल में नहीं है। इंटीरियर की मैं बात करूँ तो इसमें आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बीच में तो इसमें 9 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन कपल्ड विद USB एंड ऑक्सिलरी इनपुट के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा, EBD व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, साथ ही साथ आप लोगों को ऐसी भी उम्मीद है कि शायद से ADAS भी इसमें एडिशन दे दिया जाए, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल भी जो है इसको देखने मिलने वाला है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे बात करते हैं रियर सस्पेंशन, तो मल्टी लिंक सस्पेंशन जो है इस गाड़ी में दिएगा। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नई वाली जो आप लोगों की अर्टिगा फेसलिफ्ट 2024 आने वाली वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। एंड अभी तक जो है हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि ये सस्ती गाड़ी है या फिर इतने फीचर से भरपूर नहीं है, बट चूंकि टोयोटा का माइंड एंड मारुति का इंजन इस गाड़ी में यूज़ करा गया तो आप लोग खुद सोच सकते हो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ आने वाली है। गाइस हम लोग बात करें यहाँ पे लॉन्चिंग की, गाड़ी कब लॉन्च होगी, तो बेसिकली ये गाड़ी आप लोगों की 2024 के एंड में लॉन्च होगी, क्योंकि अभी इंडिया में हम लोगों ने स्पाई होती नहीं देखी, यानी कि टेस्टिंग होती नहीं देखी, या फिर मे बी ये हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी है, बस इंडिया के हिसाब से थोड़ा बहुत उसको अल्टर करके लॉन्च कर दिया जाए।
बट गाइस देखिए, ये चीज़ कंफर्म है कि हमारी जो टोयोटा वेलोस है वही आपको इंडिया की सड़कों पे देखने मिलेगी। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि देखिए ये जो आप लोग देख रहे हो प्री कॉलिजन सिस्टम, ये शायद ना आए इंडिया में। रीज़न बीइंग कि ये अगर छोटे छोटे फीचर्स कंपनी लेके आ जाती है तो उसकी वजह से जो गाड़ी की प्राइस है या कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो वो करके यहाँ पे इंडिया का जो मार्केट है वो मोस्टली फ्यूल देखता है एंड साथ ही साथ गाड़ी के लुक्स हैं वो अच्छे देखें। एग्जैक्टली इतने ज़्यादा रुपए खर्च करने को रेडी नहीं है, एंड अगर है भी तो वो दूसरा कस्टमर बेस है जो हाई एंड पे चले जाता है। तो मे बी यहाँ पे मैं देखो कंपनी गलती भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर कंपनी कोई भी गाड़ी महंगी लॉन्च करती है एंड दुनिया के एक्सपेक्टेशन से सस्ती गाड़ी की होती है तो ऑब्वियसली बात है वो फ्लॉक प्रोडक्ट एक तरीके से देखा जाता है। अब यहाँ पे जिमनी की बात करें तो जिमनी भी सेम होता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो आपकी नई एर्टिगा फेसलिफ्ट 2024 होगी उसमें आप लोग ये उम्मीद मत करिए कि जो बाहर आप लोगों को एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने मिल रहे हैं वो मिलेंगे। हाँ, मे बी ये हो सकता है कि टॉप एंड वेरियंट में दे दे, बस बेस एंड वेरियंट से यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स और ये सब देखने मिलेगा। तो कहते हैं कि कुल मिला के इस गाड़ी के जो लुक्स हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, एंड मैं तो जल्दी से उम्मीद करता हूँ कि फटाफट आए ये गाड़ी। कहीं ना कहीं हल्की सी जो है MG हेक्टर जैसी भी इसमें वाइब्स आपको देखने को मिल रही होंगी, तो वो तो आप ही मुझे लिख के बताएगा कि MG एक्टर जैसी लगी कि नहीं लगी। एंड गाइस प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो प्राइस जो है अभी एग्जिस्टिंग जिस प्राइस में गाड़ी आती है उसी प्राइस में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी सेम प्राइस में गाड़ी हमको देखने को मिलेगी। बाकी वही चीज़ है कि लॉन्चिंग मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता दी कि अभी कोई भी प्लान नहीं है कंपनी का लॉन्च करने का। रीज़न बीइंग कि थोड़े दिन पहले जो है अपनी हाई क्रॉस लॉन्च करी है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कंपनी को लग रहा हो कि हाई क्रॉस का जो फैन बेस है वो इधर ना शिफ्ट हो, बिकॉज 7 सीटर जैसी चीज़ मिल रही है, लुक्स भी जो है आपको हाई क्रॉस जैसे ही थोड़े बहुत देखने को मिल रहे होंगे, तो मे बी कंपनी थोड़ा सा और डिले कर सकती है। ठीक है, तो गाइस देखिए इसी के साथ साथ मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी मेरे भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया एर्टिगा फेसलिफ्ट के बारे में बताओ, ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे लिख के बताना, बाकी और कौन से लीक्स देखने हैं वो भी बताना। तो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा हमने दिखाई एर्टिगा फेस 4। बाकी लुक्स की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है काफी फाइन लुक आने वाले हैं इसमें, जो आप सेम ग्रैंड विटारा की तरह पीछे की तरफ भी जो है अपना कनेक्टेड टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी। एंड एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि मे बी ऐसा हो सकता है कि एर्टिगा के भी दो वर्जन आ जाए, अभी तो एडजस्टिंग में है ही। अब ऐसा होगा कि टूर एर्टिगा नाम से एक निकाल जाए और फैमिली के लिए एक एर्टिगा निकाल जाए, जैसे डिजायर टूर होती है और सिंपल डिजायर होती है, तो वैसा ही कुछ करने वाली कंपनी। बाकी यहाँ बहुत ज्यादा लग्जरियस रहेगी और चूंकि ऑलरेडी ये 4 मीटर से लंबी रहती है गाड़ी, तो अब की बार मारुति का प्लान है कि इसको थोड़ा सा ऊंचा बना। तो लेट्स सी कि क्या है आगे क्या। बाकी आज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आप।